नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान में इंटर कर चुकी है और आपको मालूम है राहुल गांधी की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रही है। इसी दौरान राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान में पहुंच चुकी है। अब आपको बताते हैं इसी दौरान राहुल गांधी की जो पदयात्रा है इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग रैली निकाल रहे थे। उसी दौरान देख सकते हैं कि बीजेपी के लोग रैली निकाल रहे थे, उनकी रैली में किस तरह से सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते नजर आएंगे। आप पहले वीडियो देखिए, बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। आपने इस वीडियो को देख लिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली निकाल रहे हैं। उसी दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए, एक तरफ जहां राजस्थान में राहुल गांधी अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी को देखते हुए बीजेपी भी रैली निकाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग वहां पर रैली निकाल रहे हैं और लोग रैली में किस तरह से सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब आप बताइए, जहां पर आप देखते हैं राहुल गांधी की हजारों की नहीं लाखों की तादाद में भीड़ नजर आती है और वहीं जब मीडिया इसको कवरेज नहीं देती है तो यहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भी हताश होते हैं कि मीडिया एक तरह से बिक चुकी है, उसने मान और मर्यादा बेच दी है। उस तरह से आप समझ सकते हैं जो गोदी मीडिया है उसने इस तरह की छोटी मोटी खबर नहीं दिखाती हैं, वो इस तरह की बड़बड़ी खबरें छुपा देती हैं। बस गोदी मीडिया क्या करता है, अपने आका की खबरें दिखाता है। गोदी मीडिया उन खबरों को दिखाता है डंकापति क्या कर रहे हैं, डंकापति के सामने कैमरा लगा रहता है। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गोदी मीडिया का कैमरा हटता नहीं है। आपको मालूम है कि गोदी मीडिया डंकापति के सामने किस तरह के सवाल करती है, किस तरह के, आपको मालूम है कि आप 18-18 घंटे कैसे काम कर सकते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, यह गोदी मीडिया का इस तरह का है। कभी यह नहीं पूछा होगा डंकापति से कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लेकिन डंकापति से इस तरह के सवाल नहीं किए जाते। लेकिन डंकापति ने जो 15 लाख अकाउंट में आने की बात की थी, लेकिन यह गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार डंकापति से सवाल करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं, यह देश की मीडिया का सबसे गिरता हुआ इस तरह है। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं? अभी का जो दौर चल रहा है जिसे कहते हैं मोदी युग चल रहा है, मोदी युग में डंकापति के युग में गोदी मीडिया का या यूं कहें मीडिया का जो स्तर है वो पूरी तरह से गिरता चला जा रहा है। अब मीडिया का जो स्तर है आपको मालूम है किस तरह का बना हुआ है, चाटुकारिता का सबसे बड़ा स्तर है। जिस तरह से आए दिन आपको मेनस्ट्रीम मीडिया की जो डिबेटें हैं, गोदी मीडिया की जो डिबेटें हैं, वो हमेशा नफरतों के आधार पर मिलती रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है पत्रकार जिसे बताते हैं वो सुधीर चौधरी है। कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, उसे साइंटिस्ट अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, इतनी अच्छी अच्छी खोजें करके लाता है सुधीर चौधरी, जिसे तिहाड़ी भी बोलते हैं, उसको अब तक तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। लेकिन वहीं हमारी अब दूसरी बात करें तो वहीं अंजना ओम कश्यप, अरे अंजना ओम कश्यप को मोदी ओम कश्यप सही जाता है ना, अगर मोदी ओम कश्यप कहा जाए तो ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए रूबिका लियाकत को कम नहीं आ सकते, रूबिका लियाकत उन्होंने कभी इस तरह से जनता के सरोकार के मुद्दों पर बात नहीं की, वो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ बड़बड़े मुद्दे लाते हैं। मास्टर स्ट्रोक में वो पता नहीं सचिन तेंदुलकर का है शॉट मारते हैं, पता नहीं मुझे तो लगता है कि वो धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है ना, मास्टर स्ट्रोक जो कौन सा स्ट्रोक है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। जो
मुद्दों पे तो बात नहीं होती, कौन सा मुद्दा है समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में हारती है तो वहां पर बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के नेताओं को आगे कर देती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और वहां पर यही गोदी मीडिया डंकापति का चेहरा लगा देती है कि हाँ डंकापति का डंका बज रहा है। लेकिन डंकापति का जो डंका बज रहा है आपको मालूम है गोदी मीडिया के न्यूज रूम में बज रहा है, आपको मालूम है डंकापति का जो डंका बज रहा है गोदी मीडिया के न्यूज रूम में बज रहा है, लेकिन जहां पर जो खबरें होती हैं वो गोदी मीडिया इनको दबा देती है। जिस तरह से मालूम है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी मोटी रैली चल कर रही थी, कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे, उसमें आप देख सकते थे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी थे, लोग थे, उन्होंने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। आप समझ सकते हैं कि ये चीजें गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, मतलब डंकापति की रैली में एम्बुलेंस की एंट्री कैसे करानी है, एम्बुलेंस को फोकस कैसे दिखाना है, एम्बुलेंस पर फोकस कैसे करना है। इस तरह की जो चीजें हैं वो डंकापति के जो शो हैं उनमें आसानी से ये मीडिया करती रहती है। यह आज का वीडियो है, एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस 4 मिनट तक वहां पर पहले खड़ी रखी गई, लेकिन उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और उसके बाद सुनिए ना मैम, सुनिए ना, पीएम के काफिले में नौटंकियां हो रही हैं। क्या नौटंकियां? ये 5 मिनट 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। जैसे एम्बुलेंस आई है मेरे सामने नहीं हो रहा था सर, हम लोग वहीं पर, मेरे पास वीडियो है, आज हमने भी एम्बुलेंस के पास पूरा वीडियोग्राफी करवाई। तो एक वीडियो लेके आप बैठे हुए थे क्या एम्बुलेंस में? बिल्कुल हमने वीडियो, आप बैठे हुए थे क्या एम्बुलेंस में? बिल्कुल हमने वीडियो, आपको मालूम है आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, ये तमाम है, अमन चोपड़ा हो गया, वो तो नाम ही अमन है लेकिन बाकी सब काम अमन और चैन के नहीं है। तो जिस तरह से आप समझ सकते हैं, नाम लेना मेरा उचित नहीं है, लेकिन जो डंकापति का जो दिखाते हैं ये छोटी छोटी खबरें आप दबा देते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबाराव फूले, और वहीं आपको मालूम है माता रमाबाई को लेकर कितनी घटिया टिप्पणी की, ये बीजेपी के लोगों का स्तर है, लेकिन ये गोदी मीडिया इन पर चर्चा नहीं करेगी, इन पर मास्टर स्ट्रोक नहीं चलाएगी, मास्टर स्ट्रोक बस इस पर चलाएगी कि मोदी जी का किस तरह से चेहरा चमकाना है, किस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है, डंकापति का देश में डंका किस तरह बज रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि आज देश में बीजेपी का क्या हाल है, डंकापति की क्या स्थिति बनती जा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या हालत हो गई है देश में। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं देश में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और HNP न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं, HNP न्यूज टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ, मैं DS गौतम, धन्यवाद।